हम कुछ बातें जो हैं अपने उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू साहब के समक्ष रखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उपराज्यपाल साहब, ये जो लॉकडाउन के दौरान तमाम वर्ग के लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और साथ ही उन्हें भी जरूरत है कि रिलीफ का जो पैसा और जो राशन है वो तमाम वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए हमारी आपके से निवेदन है कि आप जो राशन दे रहे हैं राशन डिपोज के ऊपर, वो सिर्फ बीपीएल फैमिलीज को ही दे रहे हैं, और वो भी मोटे चावल दे रहे हैं जो कि कोई जम्मू क्षेत्र में खाता नहीं है। इसलिए हम ये आपसे गुजारिश करेंगे कि आप तमाम वर्ग के लोगों को बीपीएल के साथ साथ एपीएल मिडिल क्लास फैमिलीज और ऑटो रिक्शा चलाने वाले, मेटाडोर के ड्राइवर कंडक्टर, सिनेमा मॉल्स में काम करने वाले, रेहड़ी फड़ी और ढाबे टी स्टॉल चलाने वाले तमाम वर्ग के लोगों के पास बीपीएल के कार्ड्स नहीं है। इसलिए हमारी आपसे ये गुजारिश है कि एपीएल कार्ड्स को भी काफी इस लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं उनके, वो भी भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, इसलिए आप उनको भी राशन और राहत सामग्री दें। इसके साथ साथ हम आपसे यह भी निवेदन करेंगे कि इस लॉकडाउन के समय का कम से कम 3-3 महीने का बिजली का किराया माफ किया जाना चाहिए। व्यापारियों के जो लोन्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स के जो लोन्स हैं, लोगों ने जो होम लोन्स या हाउस लोन या गाड़ियों के लोन्स लिए हुए हैं, वो भी 3-3 महीने की किश्तों के ऊपर, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर उसका इंटरेस्ट भी माफ किया जाना चाहिए। यह संदेश हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोग बेहद इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं और आपकी गाइडलाइंस का पालन करके घरों में रह रहे हैं।